दीदी से पूछा तो दीदी का ने कहा, मेरा सफलता का आधार बाप को सदा उंगली पकड़ा दो अपनी, या तो बाप को बच्चा बना के अपनी उंगली पकड़ाओ, है नहीं? कहते ना बाप को क्या बनाओ, अपना बच्चा। जैसे मेले में जाते हैं ना और माता पिता बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, ऐसे उस रीति से बाबा की उंगली पकड़ो, या स्वयं बच्चा बनकर बाप की उंगली पकड़ो। कहने का तात्पर्य क्या है, सदा ही बाबा की उंगली पकड़कर रखना है। ऐसी बाबा ने दादी का भी सुनाया, बड़ी दादी प्रकाशमणि, कि उनका भी था, अंत में यही अंदर में बुद्धि रहती थी कि अब कर्मातीत बनना है, अब घर चलना। तो कोई भी बात की अंदर में क्या लग जाए, धुन लग जाए, ये धुन लगाओ, हमें बाप समान बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, अब घर चलना है, हमें बाबा की जो हमारी पालना की है, जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो बाबा ने हम पर इतनी मेहनत की है, उसका रिटर्न हमको करना है। क्योंकि बाबा ने रात रात जाकर बच्चों की सेवा की, रात रात मुरली चलाई। बाबा 6:30 बजे करीब आते थे और सवेरे 6:30 बजे तक रहते थे ओम शांति भवन। एक बार क्या, क्योंकि बाबा जब आते थे ना तो मुरली चलाते थे, फिर एक एक से मिलते भी थे और एक के को वरदान भी देते थे, और हर एक को वरदान देते थे और टोली भी देते थे। और कोई बच्चा है ना बाबा के सामने ऐसे मुँह खोल दिया तो बाबा मुँह में ही टोली खिला देते थे। तो इतनी बाबा ने रात रात जाकर पालना की। बताओ, शाम को 6:30 बजे आए और सवेरे 6:30 बजे तक न उठना न कुछ करना, सदैव मुस्कराते रहना, सदैव न कोई आलस्य न कोई थकान। इतनी अवस्था किसकी हो सकती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के सिवाय, और ऐसा कोई भी कर ही नहीं सकता है। सदैव नए नए महावाक्य उच्चारण करना। एक बार विदेशियों का टर्न था, तो विदेशियों की टर्न था ना, और विदेशी जाने वाले थे, पार्टी जाने वाले थे, तो बाबा को सबसे मिलना भी था और वरदान भी देने थे। तो बाबा शाम को 6:30 बजे आए और दूसरे दिन 10:30 बजे गए। करीब 16 घंटे बाबा लगातार बच्चों से मिलते रहे, है नहीं? महावाक्य उच्चारण करते रहे, वरदान देते रहे, टोली खिलाते रहे, है नहीं? और सबकी ज्ञान रत्नों से पालना करते रहे, है नहीं? तो इस प्रकार से जो बाबा ने इतनी मेहनत की है, उसका क्या है स्वरूप, हम बाबा के समान बने, है नहीं? तो बाबा जो शांति भवन या उसमें आते थे डायमंड हॉल में, तो बाबा पूछते थे, भाई बाप की पालना के रिटर्न क्या है? तो सब क्या कहते हैं, क्या रिटर्न है, बाप समान बनना अथवा फरिश्ता बनना। तो बाबा फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे, अथवा ये भी इस टाइप से भी बाबा पूछते थे कि सबका बाबा से प्यार है? तो सब कहते हाँ बाबा बहुत प्यार है। बाबा कहते थे 100% से भी ज़्यादा? तो हाँ 100% से भी ज़्यादा। फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछते थे, सब हाथ खड़ा करते थे हाँ सबका प्यार है। फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछते थे कि ये प्यार का सबूत क्या है? तो फरिश्ता बनना। फिर बाबा पूछते थे, तो फरिश्ता बने हो तो सब
चुप हो जाते हैं, है नहीं?